वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड क्लासेस के बारे में टेलविंड के अंदर। तो उसके लिए मैं टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओ चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैं टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड से रिलेटेड हमें डिफरेंट क्लासेस जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट जो है वो बना लिया है VS कोड के अंदर बैकग्राउंड के नाम से, और यहाँ पे मैंने एक इमेज जो है वो ऐड कर दिया डिव के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है वो इस तरीके से जो नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल इमेज जो है वो ऐड की, तो यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्लास है वो है बैकग्राउंड रिपीट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे रिपीट हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारी इमेज रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे बीजी रिपीट की जो क्लास है वो यहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बीजी रिपीट, जो कि डिफॉल्ट है। अगर स्मॉल इमेज होती तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिपीट होती रहती है। अगर मैं यहाँ पे लार्ज इमेज ऐड करूँगा तो वो रिपीट जो है वो नहीं होगी। अगर मैंने यहाँ पे जो विड्थ और हाइट दिया वो फुल स्क्रीन की दी है, तो यहाँ पे तब जो है ये रिपीट हो रही है। अगर ये इमेज जो है वो बड़ी होती तो फिर ये जो है वो रिपीट ना होती। तो मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है वो रिपीट ना हो, तो मैं यहाँ पे करूंगा बीजी एंड देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नो रिपीट। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा ये वाली क्लास बीजी नो रिपीट। तो यहाँ पर इमेज है आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीट जो है वो नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ और हाइट है वो भी यहाँ पे ऑटो जो है वो हो रही है। इसके बाद है हमारे पास बीजी रिपीट एक्स। अगर हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रिपीट करना, तो हम यहाँ पे ये वाली क्लास जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाली क्लास जो है वो यूज कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया बीजी एंड देन उसके बाद रिपीट और रिपीट के बाद एक्स। तो उसको मैं सेव करूंगा एंड देन जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे रिपीट हो रही है। देन उसके बाद है हमारे पास वाई डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ वाई, इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाई डायरेक्शन के अंदर जो है वो इमेज रिपीट हो रही है। देन हमारे पास है बीजी रिपीट राउंड। तो हम ये वाली भी जो है वो अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बीजी रिपीट राउंड, सो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो पहले की तरह जो है वो रिपीट हो रही है राउंड के अंदर। देन लास्ट में हमारे पास इसके अंदर जो क्लास है वो है बीजी रिपीट स्पेस। तो हम इसको भी जो है वो अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया बीजी रिपीट स्पेस, सो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है, लेकिन उनके दरमियान में जो है वो स्पेस भी जो है वो आ गई है। इसके बाद है हमारे पास बैकग्राउंड साइज। इसके अंदर हम बताते हैं कि हमने इमेज का साइज जो है वो कितना रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी इमेज है उसको रिपीट जो है वो नहीं करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो क्लास अप्लाई करेंगे बीजी नो रिपीट की। तो फिर हमारी जो इमेज होगी वो रिपीट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे जो है वो आ जाता हूँ दोबारा से, यहाँ पे स्पेस को मिटा दूंगा एंड देन यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना है बीजी नो रिपीट। तो हमारी जो इमेज होगी वो रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज जो है वो रिपीट नहीं हो रही। उसके बाद जो है हम साइज यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी जो साइज है वो इसका ऑटो, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ बीजी ऑटो अप्लाई करूंगा, उसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइज पहले था वो अभी भी जो है वो इसका, तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट जो है वो होता है। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये पूरी स्क्रीन को जो है वो कवर कर ले, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो बीजी कवर जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बीजी कवर, इसको मैं सेव करूंगा। तो फिर जो हमारी पूरी यहाँ पे विड्थ स्क्रीन हाइट स्क्रीन है इसको पूरा जो है वो कवर कर लेगी इमेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज उसने यहाँ पे जो है वो कवर कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बीजी कंटेंट, तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया बीजी कंटेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीजी कंटेंट में यहाँ पे साइड से जो है वो थोड़ी स्पेस जो है वो आ गई। तो यहाँ पे इसके अंदर ये होता है कि जो पिक्सल वगैरह होते हैं ज्यादा नहीं फटते। अगर हम यहाँ पे बीजी कवर लगा दो तो पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े से जो है वो खराब हो जाते हैं। तो ये बैकग्राउंड साइज से जो है वो डिफरेंट क्लासेज है हमारे पास, तीन क्लासेज हमारे पास है बीजी ऑटो, बीजी कवर और बीजी कंटेंट। उसके बाद है हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि हमने बैकग्राउंड को जो है वो कहाँ पे सेट करना। तो यहाँ पे हमारे पास है बीजी बॉटम, बीजी सेंटर, बीजी लेफ्ट, तो ये डिफरेंट क्लासेस हमारे पास जो है वो आ जाती हैं। तो हम इनको जो है अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीजी कंटेंट को जो है वो मिटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्लास है वो है बीजी बॉटम, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बीजी बॉटम, सो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज थी वो यहाँ पे बॉटम के ऊपर जो है वो चली गई है। इसके बाद है हमारे पास बीजी सेंटर, तो इसको यूज करके हम इमेज को जो है वो सेंटर में प्लेस कर सकते हैं डिव के। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बीजी सेंटर, उसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इमेज थी वो यहाँ पे सेंटर के अंदर जो है वो आ गई है। देन हमारे पास है बीजी लेफ्ट, तो इसको यूज करके हम इमेज को लेफ्ट में प्लेस कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ गया बीजी लेफ्ट, तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो अब यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर जो है वो आ गई है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आया बीजी लेफ्ट बॉटम, तो हम लेफ्ट बॉटम के अंदर इसको ऐड करना चाहते हैं। तो हम ये वाली क्लास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बीजी लेफ्ट बॉटम, मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी इमेज थी वो यहाँ पे जो है वो आ गया बीजी लेफ्ट बॉटम के अंदर। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आया बीजी लेफ्ट टॉप, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे टॉप पे लाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे बीजी लेफ्ट टॉप को जो है वो यूज करेंगे। देन हमारे पास है बीजी राइट, तो हम यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बीजी राइट, मैं यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर लूंगा। तो जो हमारी इमेज थी वो यहाँ पे राइट के ऊपर जो है वो आ गई है।
इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है बीजी राइट बॉटम, तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब राइट में बॉटम के अंदर लेके आनी है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कर लूंगा बीजी राइट बॉटम, तो हमारी जो इमेज होगी वो राइट के अंदर जो है वो बॉटम के ऊपर जो है वो आ जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है बीजी राइट टॉप, तो हम इसको यूज करके टॉप पे लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है बीजी टॉप, तो इसको यूज करके हम इमेज को टॉप के ऊपर जो है वो लेके जा सकते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे बीजी बैकग्राउंड ओरिजिन, तो इसके अंदर हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमने जो है वो इसको ओरिजिन जो है वो क्या रखना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्लास है बीजी ओरिजिन बॉर्डर, तो मैं यहाँ पे जो है वो क्लास को अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ अपने आसानी के अंदर, यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दूंगा, इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज है उसके बॉर्डर जो है वो अप्लाई नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये क्लास इतनी जो है वो यूजफुल जो है वो नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो हम बैकग्राउंड इमेज वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे है बैकग्राउंड क्लिप, तो इसको यूज करके हम पैडिंग वगैरह क्लिप वगैरह जो है वो इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप जो कॉन्सेप्ट है कि समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।